रामा परदाराश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति, मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनं, याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनं। स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत्। रामश्च सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया। तो भरत जी अपनी माता जी से पूछते हैं, कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण, क्या श्री राम ने किसी ब्राह्मण के धन को आहरण कर लिया था क्या, किसी ब्राह्मण से उसका धन छीन लिया था क्या? तो ब्राह्मण व्यक्ति से धन छीनना बड़ा अपराध है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धन का लालची होगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ज्ञानी है। तो उसके पास जो भी धन है वो नितांत आवश्यक धन है, उतना ही वो रखता है, और यदि वो भी आपने छीन लिया तो ये महापाप हो जाएगा। कोई धनवान है, उसके पास काफी सारा धन है, इधर का उधर का, और उससे यदि आप छीन लें तो उतना ज्यादा पाप नहीं लगेगा। लेकिन ब्राह्मण तो होता ही अपरिग्रही है, और वो धन भी यदि आपने ले लिया तो फिर वो महापाप की श्रेणी में आएगा। दूसरा, ब्राह्मण को धन मिलता कैसे है? यज्ञ करके, जाप करके, पूजा करके, कुछ सात्विक कर्म करके उसको धन की उपलब्धि होती है, ऐसे नहीं मिलता है उसको। तो वो सात्विकता से कमाया हुआ जो धन है वो चुराने योग्य नहीं है, और यदि वो आहरण कर लिया तो बड़ा पाप माना जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि क्या श्री राम के द्वारा किसी ब्राह्मण का धन आहरित किया गया था, छीना गया था क्या? कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। और या फिर राम ने कश्चित न आढ्य, जिसने कोई अपराध नहीं किया, जो धनाढ्य नहीं है, जो निर्धन है, दरिद्रो वा जो दरिद्र है, तेन अपाप विहिंसितः, तेन रामेण, उस राम के द्वारा अपाप, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो निष्पाप व्यक्ति था, कोई गरीब, कोई निर्धन, जो आढ्य नहीं है माने धनवान नहीं है, निर्धन और दरिद्र है, जो अपाप है, जो जिसने कोई पाप भी नहीं किया था, क्या ऐसा कोई व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति राम के द्वारा विहिंसिता सताया गया क्या, विशेष हिंसा की गई हो? तो एक दूसरी बात निकल के आई कि ये भी बड़ा पाप है। क्या पाप है? किसी निरअपराध को हिंसित करना, जिसका कोई अपराध नहीं है, जो कमजोर है पहले से ही, पहले ही जो मरा पड़ा है उसको क्या मारना, जो पहले से ही निर्धन है, उसके पास धन भी नहीं है, कोई सामर्थ्य भी नहीं है, आढ्य अनाढ्य, जो पहले से ही दुर्बल है, निर्बल है, किसी प्रकार का उसमें बल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। तो कई बार कहा भी जाता है, भाई तेरे अंदर ज्यादा ही ताकत है तो किसी अपने बराबर वाले के साथ लड़ना, तो कमजोर के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, रोगी के ऊपर, बच्चे के ऊपर प्रहार करना अक्षम्य अपराध माना है वैदिक परंपरा में, उनके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो पहले ही कमजोर है, जो पहले ही रोगी है, बीमार है, या कोई छोटा बच्चा है, या तो नारी जाति है, क्योंकि मातृशक्ति को हमारे वैदिक धर्म में पूजनीय बताया है, तो किसी भी हालत में उसके ऊपर प्रहार नहीं करना, तो उसको भी निषेध है। तो इन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने किसी निष्पाप को, अपाप विहिंसितः, क्या कोई निष्पाप व्यक्ति उनके द्वारा हिंसित हो गया था? तो इन दोनों में से उनके चरित्र में कौन सा दोष आया, उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन छीना था या किसी गरीब को सताया था, ये भी चरित्र के ही दोष हैं, इससे हमारा चरित्र नीचे गिरता है। कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते, कस्मात् सदण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। और फिर एक तीसरा अपराध है,
कच्चिन न परदारान व राजपुत्रो अभिमन्यते, या फिर उन्होंने परदारान किसी दूसरे की पत्नी के ऊपर राजपुत्रो अभिमन्यते बुरी दृष्टि डाली हो, तो ये भी महापाप है। सब संसार की माँ बहन बेटियों को अपनी ही माँ, अपनी ही बहन या बहुत छोटी है तो बेटी के समान देखना चाहिए हर व्यक्ति को। इन तीन से अलग कोई दृष्टि है यदि, तो उसको पाप माना है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि क्या श्री राम ने किसी पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि से देखा था क्या? कस्मात् से दंडकारण्ये भ्राता रामो विवासितः, इन तीनों में से कौन सा ऐसा अपराध किया था चरित्र का भ्राता राम ने, जिससे कि उनको दंडकारण्य में भेजा गया? तो ऐसे अक्षम्य अपराध दो तीन ही माने जाते हैं। आज भी देश में ये जो तीसरा अपराध है, इसको अक्षम्य माना जाता है। जब कहीं इस प्रकार का ऐसे जो सामने नहीं आते हैं, ऐसे तो हजारों लोग करते हैं ऐसे पाप, लेकिन जब कोई सामने आ जाता है मीडिया आदि के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति यही कहते हैं, भाई इनको या तो फांसी दो, इसको मृत्युदंड दो, इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी ऐसा ही समाज की व्यवस्था थी। तो इन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा कि इन तीनों में से कौन सा दोष भ्राता राम से हुआ होगा, जिसके कारण उनको दंडकारण्य में विवासित किया गया, भेजा गया? इव मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम हृष्टा मूढ़ा पंडित मानिनी। तो जब उन्होंने ऐसे पूछा, एवं उक्ता तु, ऐसे कहे जाने पर, वो जो कैकेयी थी, जो कैसी हैं, मूढ़ा, मूढ़, पंडित मानिनी, अपने आप को पंडिता मानने वाली, अपने आप को बहुत बुद्धिमती मानने वाली उस कैकेयी ने, वो जो कैकेयी थी वो हृष्टा प्रसन्न हुई, बोली नहीं, इनमें से कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, तो फिर क्यों भेजा? उवाच, उन्होंने कहा, भरतेन महात्मना एवं उक्ता तु, महात्मा भरत जी के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर, मूढ़ा पंडित मानिनी कैकेयी हृष्टा वचनम उवाच, अपने आप को पंडित मानने वाली मूढ़ कैकेयी उवाच, उन्होंने ये वचन कहे, न ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण धीमतः, कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः, न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। बोले नहीं, आपने जो तीन अपराध पूछे हैं ना, इनमें से कोई अपराध नहीं किया श्री राम ने। न ब्राह्मण धर्म किंचित धृतम रामेण धीमत, राम इतने धीमान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने ज्ञानी हैं, कि वो किसी ब्राह्मण का धन कैसे ले सकते हैं? कोई जिसके पास ज्ञान नहीं है, धी नहीं है, मति नहीं है, वो व्यक्ति तो ऐसा अनर्थ कर सकता है, लेकिन राम जैसा धीमान व्यक्ति, तो कैकेयी को भी विवश होकर के राम के जो ऊंचे चरित्र के गुण हैं उनको मानना ही पड़ा है। तो इसलिए यहाँ कैकेयी राम के लिए कह रही है, धीमतः, धी वाले, बुद्धि वाले, इतने बुद्धिमान हैं श्री राम, उन्होंने किसी भी ब्राह्मण के धन का आहरण नहीं किया। न कश्चित आढ्यो दरिद्रो वा तेन अपाप विहिंसितः, और क्योंकि वो धीमान है, ज्ञानी है, इसलिए किसी दुर्बल को, निर्बल को, किसी निष्पाप को वो हिंसित नहीं कर सकते। वो तो सारी प्रजा के साथ, बड़ों के साथ अपने पिता जैसा व्यवहार करते हैं, समान आयु वालों के साथ अपने भाई बहनों जैसा व्यवहार करते थे, छोटे बच्चों के साथ पिता पुत्र जैसा व्यवहार करते थे, तो वो उन्होंने किसी भी दीनहीन को विहिंसित नहीं किया, विशेष हिंसित नहीं किया। और तीसरा भी, न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति, उससे आगे के अपराध की तो
आशंका ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। श्री राम तो किसी दूसरी पराई महिला को आंख से भी नहीं देखते हैं। चक्षुर्भ्यामपि न पश्यति। चक्षुर्भ्यामपि न पश्यति का मतलब क्या है? कुदृष्टि से नहीं देखते हैं। अपने माँ के रूप में देख सकते हैं आप किसी भी बहन महिला को, अपनी बहन के रूप में देख सकते हैं, अपनी बेटी के रूप में देख सकते हैं। तो जहाँ कोई पाप नहीं है उस दृष्टि से देखने की मनाही नहीं है। यहाँ पर राम चक्षुभ्याम अपि न पश्यति का अर्थ क्या है? कुदृष्टि से नहीं देखते हैं वो। तो ये कई कई भी मानती है। ये है चरित्र का बल। जो ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा था ना कि हम कैसे उसको दोष को मिटाएं, दूसरे के दोष को, उसका उपाय ये है। जब आपका शत्रु भी, आपकी बुराई करने वाला भी आपके ऊपर इस तरह के दोष नहीं लगा सके, या पीछे से कुछ भी बोले आपके सामने ना बोल सके, तो ये फिर बल माना जाएगा उस व्यक्ति का। जैसे श्री राम के सामने रावण उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन पीछे से श्री राम के चरित्र की प्रशंसा करते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र की प्रशंसा उसका शत्रु भी कर रहा है, उसके पीछे से, सामने से तो झगड़ा कर रहा है, लेकिन पीछे से जब उन्होंने, वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, तो वो जो मुस्लिम थे, उनकी एक बहन को पकड़ करके लाए कि आपके लिए तोहफा लेकर के आए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ के समान है, मेरी बहन के समान है, जिस अपमान से लाए हो उससे डबल सम्मान के साथ इसको वापस लौटा के आओ सुरक्षित। तो वहां जाने पर उनके शत्रु भी बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई हरा नहीं सकता है। स्वर्ग में जाकर के भी अर्जुन अपने चरित्र के ऊपर अड़िग रहते हैं, तो वहां पर उनको कहना ही पड़ता है कि अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है, कोई पराजित नहीं कर सकता है उसको, क्योंकि जिसका अपने मन के ऊपर इतना संयम है उनको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। तो बेशक दंडकारण्य में भेज दिया कैकेयी ने, लेकिन श्री राम की जो विशेषताएं हैं, जो उनके ऊंचे चरित्र का बल है, उसके ऊपर तो कैकेयी को भी मानना ही पड़ेगा, हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोनों माता और पुत्र में ही संवाद चल रहा है, लेकिन तो भी ये कह रही हैं कि जो आपने पूछा है, इन तीनों दोषों में से एक दोष भी श्री राम के चरित्र में नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तो अपने आप को पंडित मान रही है कि मैंने तो कुछ और ही किया है स्पेशल तुम्हारे लिए, तो उसको प्रसन्न होकर के बता रही, बोल ना 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 ना, ये आप पूछ रहे हैं ऐसा तो कोई दोष नहीं था, तो क्या था फिर? मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येवाभिषेचनं याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। तो फिर माताजी उनको क्यों निकाला, दंडकारण्य में क्यों भेजा? तो बोली ये सब तो मेरा किया धरा है, मैंने किया है ये सब, और आपकी खुशियों के लिए किया है। मया तु हे पुत्र, मया तु श्रुत्वा एव रामस्य अभिषेचनम श्रुत्वा एव, बोले मैंने जैसे ही श्री राम के राज्य अभिषेक की बात सुनी, तो सुनते ही मैंने ते पिता राज्यम याचितः, मैंने तुम्हारे पिता से राज्य मांग लिया तुरंत तुम्हारे लिए। जैसे ही मैंने सुना कि श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो मैंने तुम्हारे पिता से राज्यम याचितः, राज्य मांग लिया, और साथ ही रामस्य च विवासनम, और राम का देश निकाला मांग लिया। एक ही साथ मैंने दो चीजें मांग ली जैसे ही मैंने सुना, तो क्योंकि तुम्हारे पिता के पास मेरे दो वरदान बचे हुए थे, उधार था मेरा, तो इसलिए मैंने उन दो के माध्यम से एक में राज्य को मांग लिया तुम्हारे लिए, और दूसरे वचन में राम का वनगमन मांग लिया, उनका देश निकाला मांग लिया, वनवास मांग लिया। सस्ववृत्तिम समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत् रामश्च सह सौमित्रिहि प्रेषित सह सीतया। और क्योंकि तुम्हारे पिता कैसे हैं, स्ववृत्तिम समास्थाय, स्ववृत्ति मतलब आत्मवृत्ति,
मतलब उन्होंने जो वचन कह दिया उससे कभी फिर हटेंगे नहीं। इसको कहेंगे स्ववृत्ति, आत्मा की वृत्ति, आत्मवृत्ति। आत्मवृत्ति मतलब सत्य वृत्ति, असत्य नहीं करेंगे, असत्य का पालन नहीं करेंगे, सत्य का ही पालन करेंगे, जितना भी दुख क्यों ना आए। तो कितना दुख आया दशरथ जी को और कितना दुख आया माता कौशल्या को, लेकिन ये सारे कौन सी वृत्ति में स्थित हैं? स्ववृत्ति में। बड़ा कठिन है, नहीं तो दशरथ जी बोलते कौन से वचन, मेरे को कुछ याद नहीं है, मैंने कब क्या बोला था, बात खत्म, इतना सा ही झूठ बोलना था। बोल कहाँ युद्ध में मैंने कब क्या कह दिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई और गिफ्ट आदि मांगनी है तो मांग लो, पर उनको पता था कि मैंने कहा था ऐसे ही, और यही कहा था कि जब जो मांगोगी तो वो मैं दे दूंगा। तो वो अपनी वृत्ति में अस्थाय स्थित होकर सत्य में, स्ववृत्ति माने सत्य वृत्ति। तो तुम्हारे पिता भी जो सत्य प्रतिज्ञ थे, उस सत्य प्रतिज्ञा में स्थित हो करके ते पिता, तुम्हारे पिता ने तत् तथा अकरोत्, उन्होंने वैसा ही किया। सत्य प्रतिज्ञ होने के कारण मैंने वरदान मांगे और उन्होंने वरदान दे दिए, क्योंकि वो पहले से ही उधार थे। तो इस कारण रामश्च सह सौमित्री प्रेषितः, राम के साथ उन्होंने लक्ष्मण जी को भेज दिया। सह सीतया, और साथ में सीता माता भी गई, लक्ष्मण भी गए, सीता माता भी गई। तो इस कारण से ये तीनों वन को गमन कर गए। तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः, पुत्र शोक परिद्यो नः, पञ्चतत्त्वं उपपेदिवान् त्वया तु इदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम्, त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदम् एवं विधं कृतं, तत्पौत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानमदीनसत्त्वम् आत्मानमोर्व्यामभिषेचयस्व। तम अपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशा, और जब मैंने उनको वनवास भेज दिया तीनों को, तो उनको अपश्यन्, उस प्रिय पुत्र को न देखते हुए, महायशा महीपाल महान यशस्वी महाराजा दशरथ ने जब अपने उस प्रिय पुत्र को नहीं देखा, क्योंकि वो वन में चले गए तो पुत्र के दर्शन वो नहीं कर पाई, तो महायशस्वी महीपाल ने राम को न देखते हुए पुत्र शोक परिद्योना, पुत्र के शोक से ऊन होकर के, न्यून होकर के, कमजोर होकर के, दुखी होकर के, पंचत्वम उपपेदिवान, पंच तत्व को प्राप्त हो गई, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में लीन हो गया। तो इसलिए ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही जैसे ही राज्य अभिषेक की बात सुनी तो मैंने अपने दो वचन मांग लिए, एक में राज्य को मांग लिया और दूसरे में श्री राम का वनवास मांग लिया, और लक्ष्मण और सीता उनके पीछे पीछे चले गए। तो इस प्रकार से अपने प्रिय पुत्र को न देखते हुए, न देखने के कारण, उसके वियोग के कारण, प्रिय पुत्र के वियोग के कारण शोक से संतप्त होकर के तुम्हारे पिता पंच तत्व में लीन हो गई। मतलब ये बात कैसे कह रही है, हृष्टा पीछे आया था ना संबोध विशेषण कैकेयी का, खुश होकर के बता रही है ये बातें कि ये सब मैंने कर डाला। और क्या मान रही अपने आप को, पंडिता मान रही है। कई बार व्यक्ति दोष करके अपने आप को पंडित मानता है कि हम कक्षा में नहीं गए और हमारे को बुखार तो था नहीं और हमारे को कोई दस्त लगा नहीं था और हमने दीदी को बुद्धू बना दिया, हमने बोला दस्त लग रही थी, तो कैसे चेक करेगा कोई, बुखार फिर भी टेम्परेचर चेक किया जा सकता, हमने कहा पेट
तो ये कैसे हैं ये लोग? ये कैकेयी जैसे हैं, अपने आप को पंडितम मन्यमाना, जैसे कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को कहे कि मैं राह दिखा रहा हूँ तेरे को, तो वो कैसे राह दिखाएगा? उपनिषद में आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? पंडित मानता है। मैंने दूसरे को धोखा दे दिया, मैंने दूसरे को बुद्धू बना दिया। बुद्धू दूसरे को नहीं बनाया, तो खुद बन गया बुद्धू। तो असत्य को अपना आश्रय बना रहा है, सहारा बना रहा है। ये तेरी वृत्ति ऐसी है जैसे कोई कागज की नाव में बैठ करके समुद्र को तैरना चाहिए, तो उस व्यक्ति को कैसा मानेंगे? बुद्धिमान मानेंगे क्या? बैठते ही डूबेगा, कितनी भी सुंदर बना ले चाहिए। तो पंडित नहीं है, अज्ञानी है, नादान है। तो ऐसे ही कई कई अपने आप को बुद्धिमती समझ रही है, पंडित समझ रही है, लेकिन अधर्म का आश्रय लेकर के अगर कोई व्यक्ति सुख पाना चाहता है तो ये उसकी पंडिताई नहीं है, ये इसकी मूर्खताई है। कभी भी जीवन में अपने सुख के लिए गलत रास्ते को अपना आश्रय नहीं बनाना, कभी भी वो हमारे को विजय दिला नहीं सकता है, कभी भी। अब परीक्षा में कुछ लोग पर्ची लेके जाते हैं और जिसकी ड्यूटी लगी है उस टीचर को बुद्धू बना देते हैं, बोले हमने तो सब लिख दिया, और उसके मार्क्स आ जाते हैं, नौकरी भी लग जाएगा शायद कहीं, लेकिन अंततोगत्वा किसी ना किसी दिन ये इतने वर्षों की जो सारी चालाकी थी वो किसी दिन एक सेकंड में निकल जाएगी, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। इसलिए कभी भी गलत रास्ते को अपना आलंबन, अपना आश्रय, अपना आधार कभी नहीं बनाता बुद्धिमान व्यक्ति, अज्ञानी तो कदम कदम पे बनाते ही। तो जिस समय हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तब हम बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, ये किसी दूसरे की कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये हम सब की कहानी है। जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो हम अधर्म को ही अपना आश्रय, अपना आलंबन मान लेते हैं, और जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो कदापि हम अज्ञान को, अधर्म को अपना आश्रय नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता तो पंचतत्व में विलीन हो गए, इसलिए हे पुत्र, हे धर्मज्ञ, त्वया तु इदानीम राजत्वम अवलंब्यताम, इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब राजा बनना है, बाकी के सारे काम मैंने कर दिए हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब सिंहासन पे बैठो। हे धर्मज्ञ, त्वया तु इदानीम राजत्वम अवलंब्यताम, अब तुम्हें राजपद को ग्रहण करना चाहिए। त्वत्कृते ही मया सर्वम इदम एवं विधम कृतम, क्योंकि ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। एवं विधम, इस प्रकार से, ये कैसे कैसे प्लान बना करके ये सारा मैंने किसके लिए किया है? त्वत्कृते, तुम्हारे लिए। तो इसलिए अब आपको ये करना है, तत्पुत्र शीघ्रम विधिना विधि विधिज्ञैः वशिष्ठ मुख्य ही सहितो द्विजेंद्र ही संकाल्य, इसलिए हे पुत्र, वशिष्ठादि जो मुख्य पुरोहित हैं, जो मुख्य विधिज्ञ हैं, विधि को जानने वाले हैं, उनका आश्रय लेकर के उनके साथ विधिना विधि पूर्वक आप अपने पिता का संकाल्य संस्कार करो। अब जल्दी से आप उनके अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करो, इसके लिए वशिष्ठ जी से पूछो, और भी जो दूसरे द्विज हैं उन सब से पूछो, और सब पंडितों के साथ विधि विधान के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करके राजानम अधीन सत्वम आत्मानम ऊर्व्याम अभिषेचयस्व, और राजा का संस्कार करके, संकाल्य राजा का संस्कार करके, राजानम अधीन सत्वम अपने आप को अधीन सत्वम महापराक्रमी के रूप में, दीनता हीनता के साथ नहीं, पूरे पराक्रम के साथ, क्योंकि तुम पराक्रमी हो। अधीन सत्वम आत्मानम ऊर्व्याम अभिषेचयस्व, ऊर्वी मतलब पृथ्वी,
इस पृथ्वी के पति के रूप में अपने आप को अभिषेचयस्व, अभी अपना राज्याभिषेक करवाऊ। तो अब आपको ये करना है कि पहले अपने पिता का पूरे राजोचित सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ उनका संस्कार करो, और उनका संस्कार करवाने के बाद अपने आप को राजा के रूप में अभिसिंचित करो और मुझे राजमाता बनाओ, और फिर तो बस आनंद ही आनंद है। तो ये मूढ़ कैकेयी ने अपने आप को पंडित मानी नहीं, पंडित मानने वाली कैकेयी ने हृष्टा उवाच, खुश होकर के अपने पुत्र भरत को ये वचन कहे। तो भरत जी क्या रिएक्ट करेंगे ये 57वें सर्ग में हम कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधु, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।